तो दोस्तों से बहुत दिनों पहले आपको मैंने बताया था कि ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी है ना, तो इनके तरफ से उनका एक शॉटगन 650 करके एक जो बाइक है ना, तो उसका ही एक लाइटर वाला वर्जन, मतलब कि शॉटगन 350 वाला जो मॉडल है, तो वो आने वाला है। अब देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि ये जो शॉटगन 350 वाला मॉडल है ना, तो इसके बारे में कुछ न्यू बातें अभी सामने आया है जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, और वैसे लॉन्च डेट भी जो है ना, तो वो भी लगभग कुछ है भाई, जो भी है। तो वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन सामने आया है रॉयल एनफील्ड कंपनी के ही उनका अपकमिंग एक न्यू 350 सीसी वाले बाइक का, जो कि है भाई शॉटगन 350। और वैसे देख ही सकते होंगे ये जो बाइक का लुक है, तो ये तो भाई एक अलग स्टाइल का है ही, क्रूजर टाइप का। और वैसे भी देख ही सकते होंगे ये जो लुक है, तो ये कुछ हद तक तो इंस्पायर्ड है ही रॉयल एनफील्ड के क्लासिक 350 से। वैसे हाँ, ये जो बाइक है ना रॉयल एनफील्ड का ही शॉटगन 350 वाला जो मॉडल है, तो इसके अंदर ना भाई कुछ मेन मेन चीजें है, जिसके अंदर पहले बात तो है भाई एक इंजिन, जो कि भाई रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से के बहुत ज्यादा बेहतरीन से एक इंजन है, जो कि 350 सीसी वाला ही सिंगल सिलेंडर एयर कूल प्लस ऑयल कूल वाला इंजन है। और हाँ, ये वाला इंजन जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा ना, तो वो भी भाई क्लासिक 350 के ही तरह 20.2 बीएचपी का जो मैक्सिमम पावर है, तो वो, और इसके अलावा जो मैक्सिमम टॉर्क है ना, तो वो भी भाई 27 एनएम का जो है, तो वही कुछ प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा 5th स्पीड का जो गियर बॉक्स है, तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मेन बात है ना, तो वो है भाई शॉटगन 350 के ही लॉन्च होने का। अब देखो दोस्तों, बात कुछ ऐसा है कि रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से इसी 2024 साल के ही अंदर अंदर कोई भी उनका 350 सीसी वाला बाइक लॉन्च हुआ नहीं है पहले बात। अब रूमर के अकॉर्डिंग ये जो रॉयल एनफील्ड कंपनी की तरफ से इनका ये जो शॉटगन 350 वाला मॉडल है ना, तो ये इसी इंडियन मार्केट में आ जाएगा भाई इसी 2024 साल के ही अंदर अंदर। बाकी बात कुछ ऐसा है कि ये जो रॉयल एनफील्ड का ही शॉटगन 350 वाला मॉडल है ना, तो इसके अंदर आपको पहले बात तो जो ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है, तो वो डिस्क ब्रेक के साथ में डुअल चैनल एबीएस जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा लाइट्स का भी जो सेटअप देखने को मिला है ना, तो वो एलईडी के अंदर अंदर है, जैसे देख ही सकते होंगे। बाकी तो स्पोक व्हील्स के अंदर अंदर इसका जो ये व्हील्स का जो सेटअप है, तो ये कुछ देखने को मिला है। बाकी सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स जो है, तो वो देखने को मिला है। और इसके अलावा ये अजीबोगरीब वाला ये जो हैंडल का सेटअप है, तो वो भी देखने को मिला है। और हां, ये भी कुछ सीन है कि ये जो रॉयल एनफील्ड का ही ये जो शॉटगन 350 वाला मॉडल है ना, तो इसके भी अंदर आपको देखने को मिलने वाला है फीचर्स के अंदर ये जो ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी जो है, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रहने वाला है न्यू वाले मीटर कंसोल के साथ में। बाकी तो ये भी कुछ सीन है कि ये जो रॉयल एनफील्ड का जो शॉटगन 350 वाला मॉडल है ना, तो इसका जो लॉन्च जो होने वाला है ना, तो वो भी रेट में एक्सपेक्ट कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि इसी 2024 साल के ही जो मिड के बाद का कुछ जो महीना है, तो उसी महीने के अंदर अंदर जो है, तो वो लॉन्च होने वाला है इसी इंडियन मार्केट में रॉयल एनफील्ड का ही उनका शॉटगन 350। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।